बिलासपुर के चकरभाठा क्षेत्र के शिवार गांव में रहने वाली महिला घरेलू विवाद से परेशान होकर के अपने दो मासूम बच्चों के साथ नदी में आत्महत्या करने के लिए कूद गई। नदी में नहाने के लिए गई एक अन्य महिला ने उन्हें देख लिया और किसी तरीके से दोनों बच्चों और महिला को बाहर निकाला। इसके बाद घटना की सूचना डायल 112 को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाइश दी है। इसके बाद महिला को उसे घर तक पहुंचाया गया। चकरभाठा क्षेत्र में रहने वाली राजेश्वरी एक गृहिणी है। वह अपने पति और दो बच्चों को साथ लेकर पिरैया गांव के ईंट भट्टे में काम करती है। महिला ने बताया कि उसका ससुर कलीराम उसे प्रताड़ित करता है। वहीं उसकी जानकारी देने पर मंगलवार की सुबह पति राजेश्वर ने भी मारपीट की। इसके बाद महिला अपने एक साल के बेटे और तीन साल की बेटी को साथ लेकर के घर से निकली थी। महिला ने अपने दो बच्चों को लेकर के कनेरी गांव पहुंच गई। यहां पर उसने पहले अपने मासूम बच्चों को अरपा नदी में फेंक दिया। इसके बाद खुद उसमें छलांग लगा दी। वहां नहाने के लिए पहुंची एक महिला ने इस घटना को देख लिया। उसने किसी तरह से महिला एवं बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दी। साथ ही इसकी सूचना डायल 112 के टीम को भी दी गई। इस पर डायल 112 में तैनात आरक्षक सुरेश पटेल वहां पहुंच गए। उन्होंने महिला को समझाइश दी। इसके बाद घटना का कारण पूछा। इसमें महिला ने ससुर और पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने की जानकारी दी। पूछताछ के बाद डायल 112 से महिला को उसे घर तक पहुंचाया गया। पुलिस ने महिला के पति और परिवार वालों को भी घटना की जानकारी दी है। इसके बाद पिरैया गांव के सरपंच हजारी प्रसाद को बुलवाकर महिला और उसके परिवार वालों को समझाइश देने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।